नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एमबी स्पीक्स पे मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो सोशल मीडिया पे नज़र रखती हैं, वो सभी समय एक्टिव हैं और पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश के कई शहरों में जुमे के दिन जो नमाज हुई, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे अब जो एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है उसके अनुसार उसमें बड़ा हाथ पाकिस्तान का भी है। DFRAC के जो आंकड़े हैं, जो उनकी रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के करीब 7000 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट फेक न्यूज़ के सहारे भारत में मुसलमानों को भड़का करके दंगे की साजिश रच रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस विवाद और हिंसा से जुड़े जो भी हैशटैग चल रहे हैं, उनमें जो कमेंट करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तान के यूज़र हैं। यानी पाकिस्तान इस मामले में भारतीय मुसलमानों को भड़काने में लगा हुआ है। ये सारी बात निकल के एजेंसी की रिपोर्ट में आई है। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर यानी कि DFRAC की नई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। DFRAC ने अपनी रिपोर्ट में 60,000 से ज़्यादा ट्विटर यूज़र के नेचर ऑफ पोस्ट यानी कि वो किस तरीके के पोस्ट करते हैं और उसके बाद कमेंट बिहेवियर यानी कि किस तरीके के उस पर कमेंट्स आते हैं, उनका विश्लेषण किया है, उनका एनालिसिस किया है। और इस विश्लेषण में ये पाया गया कि इन 60,000 में से ज़्यादातर यूज़र नॉन वेरीफाइड अकाउंट से थे, जिन्होंने इस मामले से जुड़े ज़्यादातर हैशटैग में कमेंट किए थे। इनमें से करीब 7,100 लोग पाकिस्तान के थे। काफ़ी हैरान करने वाला ये फिगर है। इससे साफ होता है कि पैगंबर विवाद से जुड़े हैशटैग को पाकिस्तान ने काफ़ी भड़काया, ट्विटर अकाउंट्स से भी आगे बढ़ाया और उसे आगे सरकाया। वहीं 3,000 अकाउंट्स सऊदी अरब से थे और 2,500 के करीब अकाउंट्स भारत से भी थे। भारत में भी ऐसे लोग हैं जो अपने देश से प्यार नहीं करते हैं, वहाँ पे दुष्प्रचार करते हैं। और करीब 1400 जो अकाउंट हैं वो मिस्र से हैं और 1,000 से अधिक अकाउंट अमेरिका और कुवैत से थे। DFRAC की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के ARI न्यूज़ समेत कई चैनलों ने भारत से जुड़ी गलत खबरें चलाई। खबरें गलत चलाई मीन्स खबरों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। ARI न्यूज़ ने चलाया कि ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार की घोषणा कर दी है, जबकि रिपोर्ट में यह पाया गया कि मुफ्ती ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की आलोचना की थी और सभी मुसलमानों को इसके खिलाफ एकजुट होने को कहा था, लेकिन उनका बायकॉट इंडिया ट्रेंड शुरू करने का ये जो दावा है ये भ्रामक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से बाहरी ताकतें हमें, हमारे देश को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं। ये अपने आप में बहुत ही दुखद है कि जो मासूम मुस्लिम समाज से लोग हैं, युवा हैं, जो भी हैं, वो मतलब यहाँ पे अशांति फैलाने पे तुले हुए हैं। बहाना है नुपुर शर्मा के बयान का, लेकिन इसके पीछे साजिशें जो हैं वो हमारे पड़ोसी देशों से हैं और जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं, जैसा कि इस एजेंसी की रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एजेंसीज होती हैं ये बहुत फेयर तरीके से, बहुत साफ सुथरे तरीके से अपना विश्लेषण करती हैं, क्योंकि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं उनमें कोई भी भ्रामक तरीके से अपनी जांच पेश करने का एजेंसी का कोई मकसद ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकती। तो ये जो आंकड़े हैं इस एजेंसी के, सही है कि इसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है। जुमे की नमाज के बाद जो कुछ भी उस दिन हुआ, UP, बिहार और उसके बाद वेस्ट बंगाल में, बल्कि वेस्ट बंगाल में अभी तक हालात ठीक नहीं है, रांची में बहुत कुछ हुआ, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत
कमजोर करती हैं, देश की जो प्रगति होती है, देश का जो विकास होता है उसको। और हमें अपने देश से प्रेम होना चाहिए, हमें अपने देश के खिलाफ ऐसा अपना माइंडसेट बनाना चाहिए कि हमें कोई यूज़ ना कर सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने अभी आपको उन यूज़र्स के बारे में बताया, तो उन यूज़र्स ने भारतीयों को, कुछ भारतीयों को, कुछ एक छोटे से तबके को यूज़ कर लिया, ये बहुत गलत बात है। फिलहाल इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूँगी। और ये चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।